हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस टू डियर एस्पायरेंट। आज हम बात करने वाले हैं स्वेट पीजी के बारे में, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम। ठीक है, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ये एक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर हम क्या क्या बात करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। स्वेट पीजी का सबसे, वॉट इज स्वेट पीजी, स्वेट पीजी होती क्या है। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे कि स्वेट पीजी का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। थर्ड हम बात करेंगे स्वेट पीजी के सिलेबस क्या है। फोर्थ हम बात करेंगे कि स्वेट पीजी जो आप एग्जाम देते हैं इसके एग्जाम डेट्स क्या, कब होती है, स्वेट पीजी का एग्जाम आखिरकार कब होता है। और फिफ्थ पॉइंट पर हम बात करेंगे कि स्वेट पीजी की तैयारी कैसे करना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। पेपर एनालिसिस में बताऊंगा स्वेट पीजी की तैयारी में कैसे करना है, बहुत इजी है एग्जाम। तो सबसे खासियत बात मैं स्वेट पीजी के एग्जाम के बारे में आपके सामने रिवील करना चाहूंगा यहाँ पर, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती है या फिर DU, BHU, JNU ऐसे टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, इसी स्वेट पीजी के स्कोर के बेसिस पर आपको एमएससी में एडमिशन देती है। सेकेंड पॉइंट, एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि जो स्वेट पीजी के एग्जाम है, हमारी जितनी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होती है, मैं एक करके बात करूंगा ही, स्वेट पीजी इज दी ओनली एमएससी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, स्वेट पीजी इज दी ओनली एमएससी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, जिसमें आपका डोमेन जो सब्जेक्टिव होता है, डोमेन सब्जेक्ट का या डोमेन नॉलेज की बात करूं तो जैसे कि आपके बीएससी में जूलॉजी से आपने बीएससी कर लो या बॉटनी से कर लो, जिसमें भी आपने बीएससी करी है, माइक्रो से कर लो, तो उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हो, उसके अलावा भी दे सकते हो, बट उसी से उसी सर्टेन, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी था आपका तो माइक्रोबायोलॉजी से ही क्वेश्चन आएगा स्वेट पीजी में। ठीक है, बाकी में जैसे ITJM, GAT भी, वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी पूछा जाता है, यहाँ पर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। यदि आप जूलॉजी से करके आ रहे हो तो सिर्फ स्वेट पीजी जूलॉजी का एग्जाम देते हो, तो उसमें स्वेट पीजी जूलॉजी के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ स्वेट पीजी जूलॉजी के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किसी टॉपिक से या किसी और सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। ये टॉप फॉर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सी, ITJM, GATB, स्वेट पीजी, टिफर, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स यानी कि ITJAM, राइट, और एक है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्वेट पीजी का एग्जाम। इन तीनों एग्जाम में हम बात करें तो आपको ये वाली एग्जाम, यदि आपको लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मुझे नहीं आती है, तो ये एग्जाम आपकी सबसे बेस्ट है। ठीक है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम दीजिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट। जब मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा तब मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि स्वेट पीजी क्या होता है। ठीक है, तो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मतलब क्या हुआ गाइस, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मतलब ये हुआ कि आप पहले क्या होता था कि पहले BHU, JNU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब अपना अपना एग्जाम लेती थी। ठीक है, इससे बच्चों को क्या प्रॉब्लम, एस्पायरेंट को क्या प्रॉब्लम आती थी, उनको ये प्रॉब्लम आती थी कि उनको किस किस अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, ठीक है, फॉर्म फिल करना होता है, फिर सभी की डेट पता होना चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली सभी की डेट जैसे पता होगी तो उसके अकॉर्डिंगली सभी को एग्जाम अलग अलग देने जाना होगा। ठीक है, तो सबका पेपर कब हो रहा है, किसका पेपर कब हो रहा है, तो ये बहुत सारी चीजें आती थी। उसके बाद उनको प्रॉब्लम होती थी एडमिशन लेने में भी। ठीक है, तो ऐसी सर्टेन प्रॉब्लम होती थी जो वो बच्चे फेस ना करें, इसीलिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्वेट पीजी NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एग्जाम होता है, इससे आप एमएससी में एडमिशन लेंगे, बट ये सारी यूनिवर्सिटी DU के लिए भी यही है, JNU के लिए भी यही है, BHU के लिए भी यही है और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए यही एग्जाम है। टोटल 197 प्लस यूनिवर्सिटीज अकॉर्डिंग टू 2024 डाटा, 197 प्लस यूनिवर्सिटीज जो इस साल का डाटा है, 197 प्लस यूनिवर्सिटीज आपको स्वेट पीजी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देती है। ठीक है, तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी एक ही एग्जाम के अंदर में, वो है स्वेट पीजी। आपको जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट बताए स्वेट पीजी के बारे में, स्वेट पीजी इज द ओनली एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें आपको आपका डोमेन सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा, आपका डोमेन नॉलेज से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और वही स्वेट पीजी के बारे में एक और खासियत बताऊं तो इस एग्जाम को देने से आपको डेफिनेटली डेफिनेटली आपका स्कोर कम ज्यादा जो भी हो अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्कोर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पर बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूट है। ठीक है एवरीवन, तो यही बात है यहाँ पर।
स्वीट पीजी के बारे में। अब हम एक एक करके बात एक ओवरव्यू जान लेते हैं। पहले लेवल ऑफ द एग्जाम कैसा होता है, तो एक नेशनल लेवल की एग्जाम है ये, ठीक है। जो कंडक्ट फुल फॉर्म क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कंडक्टिंग बॉडी है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट और ऐसे बहुत सारी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, DBT, GAT भी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है NTA की, वही NTA है ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो है स्वेट पीजी का, ठीक है। और कोर्सेज ऑफर्ड बाय स्वेट, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दो एग्जाम होती है, एक UG के लिए होती है और एक PG के लिए होती है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होती है, यानी कि आप उससे आपको BSc या बैचलर डिग्री में कोर्स करने का मौका मिलेगा इंस्टीट्यूट में। वही पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट करने का मौका स्वेट PG उसमें मिलता है, ठीक है। तो हम इसकी बात करने वाले हैं, आप किसकी, स्वेट PG के एग्जाम की। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होता है, ठीक है। एग्जाम मोड भी ऑनलाइन, यानी कि CBT मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, CBT मोड। स्वेट PG के एग्जाम मंथ, ठीक है, मार्च होता है, माइट बी चेंज, बट मार्च आप मान के चलिए, क्योंकि मार्च के आसपास ही होता है, तो मार्च का मंथ आप मान के चलिए, और इसी मंथ में एग्जाम होता है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्वेट PG का, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि 197 प्लस यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू 2024 डाटा, यहाँ पर 197 प्लस यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पर मैं बात करूँ आपको, तो 197 प्लस यूनिवर्सिटी का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अब वो बेसिस पे कैसे कि आपको बैचलर डिग्री में कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज आपके आए, कितने CGPA आपके आए, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली किसी का 50% होता है, या किसी यूनिवर्सिटी को 55% चाहिए होता है, बस 55% आपका क्लियर है तो आप स्वेट PG की जितने भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं मैक्सिमम में, ठीक है, मैक्सिमम में, क्लियर है। और एक कॉमन बात क्या है, फॉर PG फॉर अपीयरिंग इन स्वेट द कैंडिडेट हैव नो एज लिमिट, इस एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है गाइस। कैंडिडेट हु हैव पास्ड द बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपीयरिंग 2024, ठीक है, यदि आप 2024 या फिर 2025 में यदि एग्जाम को टारगेट करोगे, तो 2025 में जो दे रहे होंगे, तो आप यदि यहाँ पर 2025 कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप स्वेट PG 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो स्वेट PG 2025 को टारगेट करने के लिए यदि आप अपने फाइनल ईयर में कंप्लीट, फाइनल ईयर कब कंप्लीट हो रहा है, 2025 में, तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो एक सिंपल सा है, यदि आप अपने बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर स्वेट PG एग्जाम, ठीक है। यदि आप क्या है, फाइनल ईयर में है आपके, यदि आपका फाइनल सेमेस्टर नहीं हुआ है, डोंट वरी, आप एग्जाम दीजिए, जब तक एग्जाम होगा फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, यूनिवर्सिटीज ऑफर होगी, तब तक आपका फाइनल जो बैचलर डिग्री है, जो फाइनल सेमेस्टर जो चल रहा है आपका, या फाइनल टर्म जो चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाता है, उसका रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होता है। तो सिंपल सी बात है गाइस, डोमेन नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्लीट, यदि आप जूलॉजी से, और ध्यान रखो है ना, मैं बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जो एग्जाम पैटर्न है ये कॉमन रहता है, एग्जाम पैटर्न कॉमन है, चाहे आप जूलॉजी का एग्जाम दें, चाहे लाइफ साइंस का एग्जाम दें, यहाँ पर मेंशन भी करके लेकर आया हूँ मैं, एक करके, लाइफ साइंस का दें या जूलॉजी का एग्जाम दें या बॉटनी का दें या फिर माइक्रोबायोलॉजी का या फिर बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न यही रहेगा स्वेट का, ये कॉमन एग्जाम पैटर्न है। याद रखिएगा स्वेट का पेपर लाइफ साइंस के लिए भी होता है, स्वेट का पेपर जूलॉजी के लिए भी होता है, स्वेट का पेपर बायोलॉजी में हम बात करें बॉटनी के लिए भी होता है, स्वेट का पेपर माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी होता है, स्वेट का पेपर बायोकेमिस्ट्री के लिए भी होता है, और स्वेट का पेपर बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी होता है, लैंग्वेजेस के लिए भी होता है, बट हमारा मोटो क्या है, मैं आपको बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में बताता हूँ इस चैनल पर, तो मैं इन इन जो हम बात कर रहे हैं इन इन प्रोग्राम्स के बारे में ये ऑफर होता है, तो मैं आपको बता दूं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन स्वेट PG एग्जाम, दैट इज 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और 75 के 75 क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, तो वो 4 मार्क्स के होते हैं, ऐसे टोटल यहाँ पर 75 × 4 300 मार्क्स का पेपर होता है, यहाँ पर ये 400 होता था, तो ये पहले होता था, अब ये नहीं होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड दैट इज 75, ठीक है, और 75 × 4 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 300 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, 300 मार्क्स का स्वेट PG का एग्जाम होता है, याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, होती है यहाँ पर, ईच करेक्ट आंसर यू विल गेट 4 मार्क्स, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू हैव टू अटेम्प्ट दैट इज
ठीक है, फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स दैट इज वन मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। ठीक है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत करोगे उतने मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपके चार क्वेश्चन गलत हैं तो 4 मार्क्स आपका डिडक्शन होगा फाइनल स्कोर में से। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, यानी कि आपको सही होने पर 4 मार्क्स मिलते हैं और वही गलत होने पर 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, वही मैं बात करूं मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया, सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, आपको यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, वही मीडियम की बात करूं तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में पेपर भी आता है, बट आपके सब्जेक्ट का इंग्लिश में आएगा तो ध्यान रखिएगा, और लैंग्वेजेस में होता है अदर स्वेट पीजी, तो वो भी लैंग्वेजेस का एज पर लैंग्वेज ही आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किस यूनिवर्सिटीज, ठीक है, कौन कौन सी पार्टिसिपेट करती है स्वेट पीजी के स्कोर के बेसिस पर आपको किन किन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, तो बहुत सारी है, 197 प्लस है, मैं इतने सारी लेकर नहीं आ सकता था, तो यहाँ पर मैक्सिमम लाने की कोशिश की है, जैसे कि आसाम यूनिवर्सिटी, बीबीए यूनिवर्सिटी, ठीक है, और बीबीए जो है, बीएचयू, सीएस यूनिवर्सिटी, सीटी यूनिवर्सिटी, स्वेब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सीयू का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको JNU, ठीक है, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिसमें आपको एडमिशन मिलता है स्वेट पीजी के स्कोर के बेसिस पे। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्वेट पीजी के सिलेबस के बारे में, तो मैं आपको पर सब्जेक्ट सिलेबस बता देता हूँ, जैसे कि स्वेट पीजी लाइफ साइंस का अलग एग्जाम होता है, स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी का अलग होता है, बॉटनी का अलग होता है, जूलॉजी के लिए अलग होता है, बायोकेमिस्ट्री के लिए अलग होता है, तो यहाँ पर मैं बायोलॉजिकल साइंस को कवर कर रहा हूँ, तो इन 5 सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि स्वेट पीजी लाइफ साइंस में टेक्निक्स पूछा जाता है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछा जाता है, बायोकेमिस्ट्री ये एक टॉपिक यूनिट है वो पूछी जाती है, बायोटेक्नोलॉजी पूछा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पूछा जाता है, प्लांट साइंसेस पूछा जाता है, एनिमल साइंसेस पूछा जाता है। और याद रखिएगा स्वेट पीजी का एग्जाम में आपको आप यू आर एलिजिबल, ठीक है, फॉर गिविंग मल्टीपल स्वेट पीजी एग्जाम। ठीक है, मल्टीपल का मतलब आप जूलॉजी के लिए भी एलिजिबल हो, एक स्वेट पीजी जूलॉजी का एग्जाम भी दे सकते हो, आप स्वेट पीजी बॉटनी का एग्जाम भी दे सकते हो, आप स्वेट पीजी लाइसेंस का एग्जाम भी दे सकते हो, आप स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर किसी का भी आप मल्टीपल फॉर्म फिल कीजिए स्वेट के, फिल कर सकते हो, डेफिनेटली करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर लाइफ साइंस का सिलेबस है। देन जूलॉजी में सेल बायोलॉजी पूछा जाता है, बायोकेमिस्ट्री पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूछा जाता है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्निक्स, वर्टिब्रेट्स, डेवलपमेंट बायोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, ये सब पूछा जाता है। स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी का यदि आप पेपर देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी यूनिट पूछी जाती है, माइक्रोबायोलॉजी पूछी जाती है, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स पूछा जाता है, बायोकेमिस्ट्री पूछी जाती है, फिजियोलॉजी पूछी जाती है आपसे, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्निक्स, इम्यूनोलॉजी और इकोलॉजी पूछी जाती है। यदि आप स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री ये एक यूनिट है, बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटाबोलाइट्स ये एक यूनिट है, सेल बायोलॉजी एक यूनिट है यहाँ पर, बायोकेमिकल टेक्निक्स एक यूनिट है, बायोमोलिक्यूल्स एक यूनिट है, न्यूट्रिशन एक यूनिट है, मेटाबॉलिज्म एक यूनिट है, बायोएनर्जेटिक्स एंड मेम्ब्रेन बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से पूछे जाते हैं, इम्यूनोलॉजी से पूछे जाते हैं, एंजाइमोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस है, एक एक करके मैं आपको बता दिया हूँ, बॉटनी का फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से, बायोमोलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी से, ठीक है, माइक्रोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी से, आर्किगोनियट से, एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म से, ठीक है, इकोनॉमी बॉटनी से, जेनेटिक्स से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफिक्स से, प्लांट सेमेनेटिक्स से, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म से, प्लांट फिजियोलॉजी से, प्लांट मेटाबॉलिज्म से, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वेट पीजी की एग्जाम डेट ध्यान रखिएगा, ये एक टेंटेटिव है, यानी कि मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अभी ऑफिशियल स्वेट पीजी 2025 के लिए कुछ आया नहीं है, बट मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ कि स्वेट पीजी 2024 का भी इस टाइम में आया था। तो जैसे कि स्वेट पीजी 2024 में क्या था, दिसंबर के उसमें फॉर्म निकल जाते हैं, जनवरी 2024 यानी कि आप 25 के लिए आप कर रहे हो तो आपका 25 हो जाएगा, लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक आप सबमिट कर दीजिए फी, लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म भी वहीं तक रहते हैं, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाते हैं,
क्योंकि मार्च में एग्जाम है, तो यदि मार्च में लेट है तो फर्स्ट सेकंड वीक में हो जाएंगे, यदि मार्च के स्टार्टिंग वीक में है तो ले लास्ट वीक ऑफ जनवरी में यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज हो जाते हैं। और स्वेट पीजी का एग्जाम की यहाँ पर मैं बात करूँ तो 11th मार्च 28th मार्च 2024 में था, यानी कि आप ध्यान रखिए कि एग्जाम डेट इसकी मार्च के मंथ में होती है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं स्वेट पीजी लाइफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी के, सर इन सारे सब्जेक्ट में कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट होती है और किससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आईएफएस आपके लिए लेकर आया है पेपर एनालिसिस। हमने पिछले साल, उसके पहले वाले साल, हर साल का पेपर एनालिसिस करके रखा है, यानी कि इसमें हम पेपर एनालिसिस ये करते हैं जो स्वेट पीजी का एग्जाम होता है उसमें किस यूनिट के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस ईयर में पूछे गए हैं और कितने पूछे गए हैं, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है। और आपका फायदा ये होता है कि जिस यूनिट से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उस यूनिट के किसी टॉपिक से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो आपसे वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है, तो इसका मतलब एटलीस्ट वो टॉपिक तो हम बहुत अच्छे से कवर करें और ज्यादा टाइम उसको दे प्रायोरिटी पे एज कंपेरिजन टू दोस्त टॉपिक जो बहुत कम पूछे जा रहे हैं या पूछ ही नहीं रहा है स्वेट में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 2023 का देख रखा है, 2022 का, यदि आप 2024 का देखना चाहते हो तो आपको हमारी वेबसाइट आईएफएस ऑनलाइन विजिट करना है, वहां पर जाके देख लीजिएगा क्योंकि वहां पर बहुत सारा डाटा गिवन है, आप इजली कर पाओगे, देख पाओगे, ठीक है। जैसे कि टेक्निक मैंने आपको बताया लाइफ साइंस में क्या क्या है, तो इन टेक्निक और इन यूनिट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं ये यहाँ पर मेंशन है गाइस, ठीक है। अब यदि हम बात करें, आपका बहुत सारे का मन होता है कि सर हम बैचलर डिग्री में ही कॉलेज बहुत सारे छोड़ देते हैं या फिर फाइनल ईयर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद वो जॉब के लिए चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हायर एजुकेशन के लिए तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बीएससी यदि आप कर रहे हो तो वो कितने लोगों ने यहाँ पर बीएससी, बहुत कॉमन है, ठीक है। आप जितना ज्यादा हायर लेवल पर करके जाओगे उतना बेस्ट पैकेज है ना, उतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी गाइस, ठीक है। यदि आप एमएससी करोगे, ठीक है, एमएससी में अकेडमिक्स इंडस्ट्री लेवल जा सकते हो आप, क्लोकार बेसिस पे आप किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्चर बन सकते हो, साइंटिस्ट पोस्ट मिल सकती है आपको, और किसी फार्मा कंपनी में भी आप जा सकते हो, तो ये आफ्टर एमएससी के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज है, बट आपको उसके लिए एमएससी करनी होगी। और एमएससी जितने बेस्ट इंस्टीट्यूट से करोगे, जितनी बेस्ट यूनिवर्सिटी से करोगे, उतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमएससी आपके पास होगी गाइस, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जरूरी भी है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए देता हूँ, ठीक है। कंसाइज और डायरेक्शनल स्टडी करना चाहिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब डायरेक्शनल स्टडी और कंसाइज, डायरेक्शनल स्टडी का मतलब क्या है, कंसाइज मैनर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो बेसिकली, ठीक है। या ब्लाइंडली स्टडी मत करो, है ना, ब्लाइंडली स्टडी का मतलब जो टॉपिक पूछ ही नहीं रहा एग्जामिनर उस टॉपिक को पढ़ने में ज्यादा टाइम दे रहे, अरे आप पूरे साल भी पढ़ते रहोगे उस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे नहीं उस टॉपिक से, तो उसका सेंस क्या बनता है, ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं है पढ़ने को। और आप हमेशा यूं बोलोगे फिर लास्ट में मैंने स्वेट पीजी के लिए मेहनत की थी और मैंने उस एग्जाम के लिए पढ़ा था फिर भी मेरा क्वालिफाई नहीं हो, बट क्वालिफाई कैसे होगा, आपको एक डायरेक्शनल स्टडी करनी होगी, आपको पता करना होगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। एवरीवन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता कीजिए, जैसे मैंने आपको बता दिया पेपर एनालिसिस देखिए इसके लिए, ठीक है, क्या देखना है आपको इसके लिए पेपर एनालिसिस, और पेपर एनालिसिस आपको कहाँ मिलता है, आईएफएस की वेबसाइट पर मिल जाएगा, आईएफएस ऑनलाइन गूगल पर टाइप कीजिए और वहां मिल जाएगा आपके लिए सब कुछ, हमने करके रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है गाइस, कोई सब्सक्रिप्शन कोई चार्जेस नहीं होते, आपको सब मर्जी हो बार बार खोलो, दिन में हजार बार खोलो कोई प्रॉब्लम, ठीक है, वहां पर देखो, ठीक है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ये जरूरी है क्वेश्चन, क्योंकि आपको लगता है कि सर ये दोबारा क्यों पूछेंगे, अरे पूछ भी जाता है, सेम कॉन्सेप्ट से तो पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो, और आपको पता रहेगा कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो उस वे में आप पढ़ाई करोगे ना, पता चले कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है और आप किसी और तरीके से उसको पढ़ रहे हो, अरे आप पढ़कर भी चले जाओगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आया, कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है उस टॉपिक से, ये हमें पता होना चाहिए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट थिंग ये पता करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। टाइम को मैनेजमेंट कीजिए, टाइम का मैनेजमेंट आप इजीली कर लोगे, यहाँ पर स्वेट पीजी का एग्जाम बहुत आसान होता है, क्योंकि रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम, गलतियां करो पर उसको सुधारो हर बार,
हर बार गलतियां करो, नई गलतियां करो, बट पुरानी गलती रिपीट मत करो, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा गलती होगी, उतनी ज्यादा सही होने के चांसेस आपके बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि दोबारा वो मिस्टेक आप रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। एटलीस्ट एम हाई, थोड़ा बड़ा सोचो, क्योंकि आज तक जितने भी एस्पायरेंट ने एग्जाम क्वालिफाई की, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी का एक ही मानना रहता है कि सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। वो कभी नहीं सोचे ऐसा लगता है उनको, सर मैंने तो सोच भी नहीं सकता था बट मैंने आज क्वालिफाई किया, ठीक है। बट मैंने एक बार सोचा था कि शायद मेरे से हो जाए तो मैं स्टार्ट तो कर दूं, और उन्होंने स्टार्ट किया और वो क्वालिफाइड है, ठीक है। ध्यान रखिए, फोकस इज एवरीथिंग, फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर, ठीक है, क्योंकि आप साथ साथ कॉलेज भी जा रहे हो, कॉलेज के साथ साथ स्वेट पीजी की तैयारी कीजिए, और बेस्ट है यदि आप स्वेट पीजी की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा और आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी। आज आप मजा लोगे, आज आप सोचोगे मुझे कॉलेज लाइफ जीनी है, और एक कॉलेज लाइफ जो आप जिस कॉलेज में हो उससे कई बेहतर, उससे कई गुना बेहतर लाइफ एक्सप्लोरेशन आपको उन बेस्ट यूनिवर्सिटीज मिलेगा, उन टॉप यूनिवर्सिटीज में मिलेगा, ठीक है। तो जरूरी है उनमें जाना, क्योंकि बेस्ट एक्सप्लोरेशन आप आज की लाइफ जीने में, आपके फ्यूचर की लाइफ को तबाह मत कीजिए। तो ध्यान रखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, और इससे फायदा होता ही होता है। और ऐसा नहीं है कि हम सर सारे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा क्या होगा सिलेक्शन। अरे आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर टॉपिक्स, ठीक है, फॉर मोर वीडियोस, किसी भी स्वेट या आईटी जैम, कैट भी, टिफर, किसी भी एग्जाम रिलेटेड आप कोई भी डाउट हो आप मेंशन कीजिए इसी वीडियो के जस्ट कमेंट बॉक्स में, और आई विल मेक वीडियो ऑन दैट एज वेल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। ध्यान रखिएगा, आप हमारा वेबसाइट या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, वहां जाकर देखो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है वहां पर। आप एटलीस्ट एक बार ओपन करोगे, देखोगे, बस आपको जिस एग्जाम के बारे में जानना है अपर कॉर्नर से एग्जाम नेम सेलेक्ट कीजिए, उस एग्जाम नेम के बाद लर्न फ्री के सेक्शन जाइए, और वहां पर ऑल अबाउट कैट बी, ऑल अबाउट आई टी जेम, ऑल अबाउट स्वेट पीजी, ऑल अबाउट टिफर, हर एक चीजों के बारे में दिया है। एग्जाम पैटर्न वहीं पे मेंशन होता है, कि एग्जाम पैटर्न देखना चाहते हो, पेपर एनालिसिस देखना चाहते हो, वहीं पे मेंशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां से पता कर लोगे सारे, हर एक चीज मेंशन है, ठीक है। ध्यान रखिए, सिलेबस भी वहां पर अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड करना चाहते हैं वहां पर अवेलेबल, हर एक चीज अवेलेबल है, बस आपको तैयारी स्टार्ट करनी है गाइस। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।